शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस इवनिंग। थैंक यू। ये मेरी ऑस्ट्रेलिया की पहली विजिट है। And I would like to say thanks to Rave Entertainment और मेरा दोस्त कामिल खान, बंदूक खान वाले। ये वाकया ही कलाकारों को प्यार करने वाले लोग हैं। We are two types. जो नॉन पंजाबी है उनको बताऊं मैं, पंजाबी दो तरह के होते हैं, या कुछ नहीं करते या सीधे प्रधानमंत्री बनते हैं हम लोग। एक इंडिया में इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं, अगर हम लोग अपने कल्चर्स की कंपैरिजन ही करते रहे, शायद उम्र उसी में इतना है। पंजाबी हो गए, गुजराती हो गए, गुजराती कौम की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ क्या बात है, ढोकला फाफड़ा खा के भी इतनी एनर्जी आप में। ये गुजराती कौम मैं इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ कि ये जहाँ कहीं भी जाते हैं अच्छे लेवल पे काम करते हैं। आप देखिए जितने होटल मोटल ग्रोसरी स्टोर सब आपके हैं, हम पंजाबी भी जहाँ पे भी जा, जितनी टैक्सियाँ हमारी हैं सारी। और मैंने वही कहा ना, या तो कुछ नहीं करते या सीधे प्रधानमंत्री, या टैक्सी चलाएंगे या सीधे ओबामा का चीफ एडवाइजर, बीच वाला मसला ही कोई नहीं। इन कौम में फर्क क्या होता है, गुजराती आदमी का 100 रुपये गिर जाए ना वो ढूंढने में टाइम नहीं वेस्ट करता, हमारे 500 रुपए गिर जाए ना एक दो बच्चों को मार रहे हर किरते रहे नीचे तरी गई। गुजराती आदमी का 100 रुपए गुम हो जाए उतनी ढूंढने में टाइम नहीं लगाता, उतनी देर में 500 कमा के निकल जाता है। ये इनकी बिजनेस मेंटेलिटी है, अच्छी बात है। और आप जिस शहर में रह रहे हैं, जिस कंट्री में रह रहे हैं, अगर मैं थोड़ी सी लाइट में जाऊँगा ऑडियंस से भी आए, थोड़ा चेहरे को देखो उनको, जो मुझे प्यार करते हैं, प्लीज थोड़ी सी लाइट। आई वॉन्ट लिल लाइट ऑन माई ऑडियंस प्लीज। यार जे इतने कोई गोरा बैठा तो समझा दो मैं की कहन डया, थोड़ी बत्ती पाओ इन्हों के उपर, थोड़ी जी महाराज मजा तो आए। आई वॉन्ट ए लिल लाइट ऑन ऑडियंस। एक्सक्यूज मी, आई यू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज और आई हैव टू स्पीक सम मोर इंग्लिश। अनपढ़ गोरे इन मेरी गल नहीं पता लगी, ले दिमाग खराब होया चिकन बर्गर खा खा के इन्होंने। मैं एक बात कहना चाहता, आप लोग वाकई में बड़े खूबसूरत कंट्री में रहते हैं, और इस कंट्री की अगर डेवलपमेंट की बात करूं तो अगर ये कहूं कि हमारे इंडियंस का, हमारे पाकिस्तानी भाइयों का, बांग्लादेशी भाइयों का, जितने भी हम एशियन लोग हैं, अगर आपका हाथ है, क्या बात है। अरे वाह, ओहो, मैं तो अंधेरे में लगा हुआ था, मुझे पता ही नहीं इतने लोग आए हैं। आप सब लोग टिकट खर्च के देख रहे हैं, बड़े खूबसूरत देश में रहते हैं आप, यहाँ पे हर चीज खूबसूरत है। हमें यहाँ के पेड़ देख लो आप, पेड़ एयरपोर्ट पे उतरो पहले तो, यहाँ की टैक्सियां बड़ी खूबसूरत है, मर्सिडीज या BMW वाली स्माइल करके मिलती हैं आपको। बॉम्बे में उतर जाओ पुरानी फीएट यूं खड़ी है, हर एक चीज में कॉन्फिडेंस है। यहाँ के पेड़ देखिए आप, पेड़ मैंने ऐसे पेड़ कहीं देखे नहीं है, क्योंकि साफ सुथरे हैं, एटमॉस्फेयर इतना अच्छा, यूं खड़े होते हैं आपका सैर करने का दिल करता है। हमारे उधर पेड़ों पे इतनी मिट्टी है, बेचारे बूढ़े हो चुके हैं वो भी, लोग कहते पेड़ ऑक्सीजन देते, पेड़ों का खुद हाल खराब हो गया वहां पे, बेचारे खुद बूढ़े हो गए। मतलब मुझे, हाँ भाई ठीक है, एक तो इतना लंबा लेंस लगाया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैमरा का बंदूक है। अरे मेरे भाई कौन से चैनल से? टाइम टीवी से। टाइम टीवी जी? अच्छा टाइम चल रहा है आपका? बहुत चढ़ती कला। चढ़ती कला, अच्छा ये भी आपका नाम है जी? कहाँ पे रहने वाले मेरे भाई? पटियाला के। यहाँ पे कैसे जी? फोटोग्राफी। तो वहाँ पे कैमरा नहीं चलता था पंजाब में? वहाँ छोटे थे जहाँ बड़ा चला रहा हूँ, वहाँ छोटे थे जहाँ बड़ा चला रहा हूँ। छोटे कैमरे क्या चीटियों की फोटो खींचते थे वहाँ पे? ये
जितने भी हमारे दोस्त हमें प्यार करने वाले हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। बीच में एक मिस हैपनिंग, पता भी है हमारी फोर्थ रो में सीट है, फिर भी यूं करके कहां है रे, ओ गॉड। गोरे लोग लाइमलाइट में आते हैं, तैर के इंग्लिश चैनल पार कर लिया, कितना बड़ा समंदर है यूरोप में। बाहर से गोरा आया, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गया। हमारे घर में है माउंट एवरेस्ट, हम लोग नहीं चढ़ते, हम लोग आलस कर जाते हैं बेसिकली कि खा पी के चढ़ जाएंगे, ये कौन सा पिघली जा रही है। बात ये नहीं कि हम लोग रिकॉर्ड्स नहीं बना सकते, मेरी गोरे लोगों से कभी कभी बहस होती है, मैंने कहा आप लोग रिकॉर्ड्स बनाने के लिए एफर्ट्स करते हो, हमारे ऊपर वैसे ही ऊपर वाले कितनी कृपा है, हमारे अपने आप बन जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कभी कभी। आप देखिए सबसे लंबी मूछों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, गिनीज बुक में, राजस्थान के कोई भाई साहब है। सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड जो है वो इंडिया के नाम है, हरिद्वार के कोई संत बाबा है। हमने कुछ नहीं किया, हम काटना भूल गए, हमारा गिनीज बुक में नाम आ गया। उल्टा जब हम लोग रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में पड़ते हैं तब हमारा काम खराब होता है। पिछले दिनों एक प्रोग्राम आता था जी टीवी पे शाबाश इंडिया करके, मेरा दोस्त हुसैन उसको होस्ट करता था, उसकी वजह से मैं देखता था। अजीब अजीब बंदे रिकॉर्ड बनाने आए, दिमाग खराब कर देते हैं। रिकॉर्ड क्या बनाते हैं, एक आदमी आया मैंने देखा, मुंह में से सांप डाल के ना नाक में से निकाल रहा है, और होस्ट बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, देखिए कितना बहादुर आदमी है, मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है। मैंने कहा इसमें काहे की बहादुरी है भाई, खुद भी तंग हो रहा है, सांप को भी तंग कर रहा है। बहादुरी तो सांप की हुई ना जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ के बाहर आ रहा है। मैं कहता हूं शुक्र है भगवान का सांप रास्ता नहीं भूल गया, किसी और रास्ते से बाहर आता लेने के देने पड़ जाते। ये होता है, उसने 20-25 चपातियां खाई होगी कम से कम, उसके बावजूद वेटर को आवाज लगा रहा है, इधर ये लिखे रखा है आलू वाला पराठा 20 रुपए, गोभी वाला 25, ये कौन लाया क्या बाप। उस आदमी ने देखा इतना छोटा सा आदमी इतना खाना खा रहा है, उसने लाके 25 पराठे उसके हिसाब से रख दिए। कहते 25 पराठे रख दिए, मैं तो भैंसा हूं, मैं एनिमल, एक उठा ले 24 फिर कटक गया। वो उसको किसी सर्कस के मैनेजर ने देख लिया, बोलता यार ये बड़ा खाना खा रहा है, इसको अपनी सर्कस में लेके चलते। कहता भाई साहब आप हमारी सर्कस के लिए काम करेंगे। कहता क्या करना, क्या कहता यही करतूत करनी जो आप यहाँ पे कर रहे थे, लोगों को खाना खा के दिखाना। उस आदमी ने 10 से 1, 20-25 चपाती का रायता सलाद पापड़ पता नहीं क्या क्या खा के दिखाया, लोगों ने बड़ी तालियां बजाई। 1 से 4 शो किया फिर उतना खाना, 4 से 7 शो किया फिर उतना खाना, 7 से 10 शो किया फिर उतना खाना, लोगों ने बड़ी तालियां बजाई। 10 बजे जाके मैनेजर को बोला भाई साहब मेरा पेमेंट लाइए। कहते देखिए आपका शो लोगों ने बड़ा पसंद किया है, लोगों की खास फरमाइश पे एक स्पेशल शो और रात 10 से 1। कहता वाह वाह सारा दिन तेरे शो का तरह घर में जाऊं, घर जाके आदमी ने खाना वाला नहीं खाना होता है, कहने का मतलब मेंटेलिटी क्या कर रहा है आदमी, खाली दिमाग है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है और कुछ नहीं, जाके जेंट्स वॉशरूम में लिखाएंगे सुनीता आई लव यू, भाई कुछ नहीं करने को, न्यूज़पेपर लेके बाथरूम में घुसते 6-6 घंटे बाहर नहीं आते, इनको पता बाहर जाके करना तो है कुछ नहीं। इंटरनेशनल टेंशन लेते हैं, ये भी नहीं अपने घर की। सपोज बाथरूम में बैठे कमोड़ पे हाथ में पेपर, सपोज अगर न्यूज आई कि नदेन मिल नहीं रहे ओबामा, चिंता में तो खैर चिंता खत्म होगी, नदेन की फोटो देख के सोच रहे होते यार ये नदेन की तो क्या होगा, गोली मार नदेन को तू सोच तू कहा पानी डाल आगे निकल दफा, वही चक्कर है ना, खाली दिमाग क्या करें। लेकिन आप लोग यहाँ पे प्राइवेट बिजनेस है, आपके अच्छी अच्छी कंपनी में काम करते हो, यहाँ पे थोड़ा माहौल अलग होता है, बिकॉज हम लोग सेल्स वालों के लिए शोज करते हैं ना, उनका माहौल मैंने देखा है, उनको टारगेट कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है, जो जूनियर होते हैं उनके ऊपर जो सीनियर रहते हैं उनको हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है कि मैं इनसे सेल निकलवाऊँ। हमारे पड़ोसी एक बॉम्बे में कॉर्पोरेट सेक्टर में बॉस है, उनको इतनी डांटने की आदत पड़ गई ना अपने जूनियर्स को कि मुझे सेल चाहिए, ये चाहिए, टारगेट कंप्लीट करना है, कि घर में उन्होंने मुर्गियाँ रखी 6 छोटी-छोटी, 2 पैग मारकर आपको मुर्गियों को बोल रहा है, हेलो सुबह 2 अंडे चाहिए मेरे को, यू गॉट माय पॉइंट, आई वांट 2 eggs फ्रॉम ईच हेन। सुबह डर के मारे सारी मुर्गियों ने 2 अंडे दे दिए, एक ने एक दिया उसको भड़क रहा है, कहते मैंने कहा था 2 अंडे चाहिए, मुर्गी बेचारी डर के बोल रही कहती पाजी ये तो आपके डर की वजह से दिया, वैसे तो मैं मुर्गा हूं। ये प्राइवेट वर्ल्ड की सच्चाई है। सुबह 25 साल हो गए, कल सुबह कल आपकी मैरिज एनिवर्सरी है और आप इतनी दूर दूर बैठे हुए, इसका मतलब क्या, चक्कर क्या है, हमारे साथ बच्चे हैं। अच्छा अच्छा तो 25 साल शादी जो है, पेट कितने साल का है, ये देखो ये कहां होता है,
ये कॉन्सेंट्रेशन खराब होती है। ये नहीं कहता हूँ प्यार कम होता है मिया बीवी में, प्यार वही रहता है, लेकिन ध्यान बच्चों की तरफ पड़ गया। अब पांचवा करवा चौथ देखिए कैसा होता है। इस बार औरत ढूंढ रही है अपने पति को, कि पिछली बार तो कम वक्त दोपहर में जाकर चांद ढूंढ रहा था, अब रात के 8 बज गए, चिंता ही कोई नहीं, खुद बुला के पूछती है, चांद का तो पता करो कभी मिलेगा, आज की टेंशन लेता निकल आया, बता रहे निकलेगा 9-10 बजे निकलेगा, न्यूज पे आ रहा था, वो मेरे को भूख लग रही है, हाँ बैठो भूख लग रही है, चमड़ चमड़ कम कर दो, बकवास करते सारा दिन, तो प्यास लगी है, थोड़ी थोड़ी तलखी बढ़ जाती है। 10 साल बाद वाला करवा चौथ क्या होता है, 10 साल बाद इंडियन औरतों को सल्यूट है, फिर व्रत रखती है, हाथ में थाली पकड़ी है, पति घर पे ही नहीं, आवाज में भी मिठास चली जाती है, मेरे नहीं पता तो चांद भी मिलेगा, पति भरा पड़ा होता तब तक उतनी टेंशन नहीं लेता, आ जाता सुन के आ गया चांद अपने को भी निकलेगा, चांद भी निकलेगा, चांद निकलेगा, चांद मेरे बाप के घर से निकल जाए, कान से पकड़ के निकालू चांद को मैं, जब निकलना तो निकलेगा, मैं सीधा खुशी बीवी एक सुन और भड़कती है, तेरा ही बेड़ा गर्क करने की व्रत रखा, मेरे को शौक नहीं डाइटिंग करने का, अभी एक दाल का चम्मच खाऊंगी ना इधर ही बेड़ा गर्क कर दूंगी मैं, आदमी भड़कता है, क्या तेरी वजह से बचा हुआ है, तू जब आई नहीं थी तो मेरी माँ ने मुझे पाला नहीं क्या, हम लोग जब जवान में हुए करेंगे आई बड़ी व्रत रखने वाली, अलग तरह तरफियां बढ़ जाती है। फिर आता है 25 साल या 50 साल ले लो, मोटा मोटा ले लेते हैं, मियां बीवी की शादी हुई, 25 की उम्र में मान लो शादी हुई, 50 साल शादी को हो गए, आगे 50 साल शादी को हो गए, 25 की उम्र में शादी हुई होगी, 75 का आदमी 75 की औरत, दोनों बुढ़ा बुढ़ी मिला के 150 के हो गए, उस टाइम पे भी प्यार रहता है, पता है। अब प्यार कैसा है ऑस्ट्रेलिया में मुझे पता नहीं कल्चर क्या है, लेकिन पंजाब में दिल्ली में नॉर्थ में क्या होता है, जब आप लोग रिटायर हो गए शादी के इतने साल बाद, बिजनेस है तो बच्चों को दे दिया, नौकरी है तो रिटायर हो गए, तब आदमी करे क्या, टाइम पास कैसे करता है, बुजुर्ग आदमी बाहर चारपाई डाल लेते हैं, हरियाणा यूपी में आपने देखा होगा बाहर चारपाई डाल के ना टाइम पास करते हैं, अपनी उम्र की निकलती हैं औरतें उनको देख देख के अपना ही इंजॉय कर रहे होते हैं। अब पोते पोतियों से कितना कोई मिल ले, कितना टीवी देख ले कोई, टाइम पास कैसे करते हैं, चारपाई के नीचे से ना मंजिल थले कुत्ते निकल रहे होते हैं, कुत्ते निकल रहे हैं उनको पत्थर मार मार के टाइम पास करता है बेचारा, निशाना लग गया तो कुत्ता बुढ़ा खुश, नहीं तो कुत्ता खुश, अपना अपना इनका चला रहता है। उस टाइम पे भी प्यार देखिए, 50 की उम्र, शादी को 50 साल हो गए, औरत ने फिर हाथ में थाली पकड़ी हुई है, एक तो कमर उसी की वजह से झुक गई है, मुंह में दांत नहीं है वो अलग बात, दो जोड़ी होती है उस उम्र में, एक मुंह में एक बाथरूम में डिब्बे में भिगो के रखी होती, अंदर से पूछ रही होती है आंटी मैंने कहा चांद नहीं निकला। अब वो आदमी पूरी उम्र का भरा पड़ा है, उसको क्या लेना देना, उम्र इतनी हो गई चांद चाहे बाथरूम में से निकला नजर नहीं आता उस टाइम पे, अंदर से मैंने कहा बिट्टू ने पापा चांद नहीं निकला, आदमी बाहर से जवाब दे रहा काय का चांद, ये तेरी माँ का सर है, ये सच्चाई है, बड़ों बड़ों के चांद निकल आते हैं शादी के बाद, नहीं यकीन तो लाइट मार के देख लो, 500-600 इधर ही मिल जाएंगे आपको, काफी है पहली लाइन में काफी, लेकिन पहली लाइन वालों को आदमी कोई बोलता नहीं, कोई ऑफिसर निकले, कोई एम्बेसी वाला निकले, कल को हमारा वीजा रोक ले, ये चांद क्यों निकलते हैं आदमी का चांद, औरतें क्यों नहीं गंजी होती ना, आदमी का चांद क्यों निकलता है, इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। दुनिया में दो तरह की औरतें जो आपके सर पे हाथ फेरती हैं, एक आपकी मां एक आपकी बीवी, फर्क सिर्फ इतना है कि मां जब हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, बाकी अच्छा ये बड़ी मजेदार चीज है, और इतना मजा आ रहा है आप लोगों को हंसते मुस्कुराते हुए देख के, दिल नहीं कर रहा है, और आज हम लोग यहीं पे जमाने वाले हैं, लंबा चलेगा, कोई वैसी परमिशन वाला चक्कर तो नहीं है ना लेट पत्थर, फिर ठीक है, फिर मैं अभी अभी मैं तो गाने वाले भी गाने वाला हूँ, आपको मेरा गाना बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां